Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good and staying safe at your home. Today's topic is Chapter 10, Revision, Perimeter and Area. So without any further ado, let's get started. So dear children, last video में हमने देखा था कि perimeter कैसे कहते हैं. इस video में हम देखेंगे कि area क्या होता है. Area का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी space रोक रही है. Like ये duster है, ठीक है? तो ये duster कितनी space रोक रहा है? तो ये डस्टर ये वाली स्पेस रोक रहा है, ठीक है? बाउंड्री तो रोक ही रहा है, लेकिन बाउंड्री के अंदर का हिस्सा भी रोक रहा है, ठीक है? ये वाली पूरी स्पेस कौन रोक रहा है? डस्टर रोक रहा है. ये डस्टर के थ्रू क्या हो गई है? ऑक्यूपाई हो गई है स्पेस. तो इसका मतलब क्या है? ये एरिया है. क्या है चिल्ड्रन? ये जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? पेरीमीटर. बाउंड्री जो होती है वो पेरीमीटर, लेकिन जो अंदर का रीजन है उसे हम क्या कहते हैं? एरिया. So the number of square unit needed to cover a region occupied by a figure, thing is the area of the figure or thing. क्या बोल रहे हैं कि जितने number square units चाहिए एक चीज को अपनी जगह रोकने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? Area. Duster ने कितना area रोका? Duster ने boundary के साथ कितना area रोका? ये अंदर वाला भी area उसने cover किया है. So this is the what children? ये क्या है? Area है. क्या है? कोई भी चीज़ को जितनी स्क्वायर यूनिट्स रोकेगा वो खुद के अंदर, मतलब ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उतना रीजन रोकेगा, उसे क्या कहेंगे हम? एरिया कहेंगे. किसका? उस चीज़ का और उस थिंग का. ओके चिल्ड्रन, एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस अ फिगर कवर्स. कोई भी फिगर कितना अमाउंट ऑफ सरफेस कवर करती है वो उसका एरिया होता है. जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर ने कितना एरिया कवर किया? इतना कवर किया, ठीक है. तो ये क्या हो गया? उसका एरिया हो गया. ये कोई शेप है, ठीक है, इसने इतना एरिया कवर किया, तो ये क्या हो गया? उसका एरिया हो गया. एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस अ फिगर कवर्स. कोई भी फिगर्स कितना अमाउंट ऑफ सरफेस कवर करेगी उसे क्या कहते हैं हम? एरिया. आर यू गेटिंग? सो सिंपल है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज है एरिया कवर करने, एरिया काउंट करने के लिए, ठीक है. तो ये वाली आपको करनी है. कैसे करनी है? काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इज शेप कवर राइट इट्स एरिया. यहाँ पे हम एक शेप दिख रहा है और उन सब शेप ने क्या किया? कुछ ना कुछ एरिया कवर किया हुआ है. और एक स्क्वायर की जो है, एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 square unit, ठीक है. तो अभी ये शेप ने कितने स्क्वायर्स कवर किए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर्स कवर किए. इसका मतलब इसका कितना एरिया हो गया? 15 square units. ये एरिया का यूनिट है, 15 square units. सी ये वाली फिगर देखो, उसने कितना एरिया कवर किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसने कितना एरिया कवर किया है? 10 square units. आर यू गेटिंग? तो ये क्या है? अलग अलग शेप ने अलग अलग एरिया कवर किया हुआ है. तो हमें सिर्फ स्क्वायर काउंट्स करके करने हैं और यहाँ पे लिखना है कि किस फिगर ने कितने एरिया कवर किया है. इसने 15 स्क्वायर यूनिट्स कवर किया है और इसने 10 यूनिट्स कवर किए, राइट. अभी ये वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8 square units. फिर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 square units. तो यहाँ पे लिखना है आपको 15 square units. ओके चिल्ड्रन, फिर इफ अगर आपको कोई ऐसा फिगर दे, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, राइट, ये साइड हो जाए इसकी 2 centimeter, ये है 1 centimeter, ये है 7 centimeter, ये है 1 centimeter. ओके, तो अभी हमें क्या करना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन शेप? हिंट, हमें फाइंड करना कि एरिया कितना होगा. और हिंट क्या है? जितनी आपको साइड्स दिए हैं, लाइक ये 7 centimeter है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 हिस्सों में. कैसे? आपको 7 centimeter के बॉक्सेस बनाने, मतलब एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा? 1 centimeter. 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 centimeter है ये पूरा. तो हमने 7 centimeter, फिर अभी हमें इसको कितने में डिवाइड करना पड़ेगा? यहाँ पे है 2 centimeter, तो ये बन गया 2 centimeter. अभी हमें क्या फाइंड करना है? इसका एरिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9.
तो इसका एरिया क्या होगा चिल्ड्रन, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, या फिर 9 स्क्वायर यूनिट्स भी आप लिख सकते हो। तो आपको क्या करेगा, एग्जाम में ऐसे आपको फिगर्स दे दिया जाएगा, फिर यहाँ पे लिख दे आपको, यहाँ पे साइड्स की लेंथ दे दी जाएगी, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना और आपको एरिया फाइंड करना। कितना इजी था, हमें पता है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, इसको 7 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर की, तो हमें इसको कितने में डिवाइड करना है, 2 में, 1 एंड 2, तो 7 + 2 = 9 स्क्वायर, ओके, आर यू गेटिंग, यस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।